लखनऊ में राज्य महिला आयोग की ओर से महिला जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राज्य महिला आयोग को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष या सदियों से पीड़ित महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से निजात दिलाने के लिए जागरूक करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं। सीएम ने कहा कि नारी गरिमा के लिए भी शौचालय बहुत महत्वपूर्ण था, महिला आयोग क्या इसको बताएगा, स्वच्छ भारत अभियान में उसकी क्या भूमिका रही। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि महिला के अपमान पर ही रावण के पूरे वंश का विनाश हुआ। मुगल शासन में स्थितियों में जो परिवर्तन देखा गया, महिला नारी सशक्तिकरण की मांग हमेशा से उठती आई है। हर ग्राम पंचायत में पहुंचना होगा, हर नगर निकाय में पहुंचना होगा, हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक नगर निकाय में महिला जागरूकता की एक टीम, महिला सुरक्षा की एक टीम या महिला जागृत समिति का गठन करना होगा, जो महिलाओं से संबंधित दो तीन, एक दो तीन चार पांच जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखें। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। कहीं पर बालक और बालिकाओं के जो लिंगानुपात से जुड़ी हुई विषमता है, कुछ जनपद में समस्या हो सकती है, कुछ में बालिकाओं की शिक्षा का मामला हो सकता है, कहीं पे कुपोषण से संबंधित मामला हो सकता है, कहीं पर कोई अन्य मामले हो सकते हैं। इन सबको काउंट करें और फिर उन जनपदों में उससे संबंधित समिति का गठन निचले स्तर पर जब तक हम लोग गठित नहीं करेंगे, तब तक अगर हम ये मानते हैं कि हम एक बार डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ या प्रमुख सचिव के साथ बैठ के समस्या का समाधान कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा। और उपस्थित सभी महिला आयोग की विभिन्न इकाइयों से संबंधित सम्मानित प्रतिनिधिगण, ये विशेष अवसर होता है जब हम लोग किसी संगोष्ठी का आयोजन करते हैं या किसी सम्मेलन का आयोजन करते हैं। महिला आयोग के द्वारा इस प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, एक विशेष उपलब्धि के रूप में आएगा। समय के बदलाव ने महिलाओं की स्थितियों में परिवर्तन किया है और हम जानते हैं कि समय समय पे युग परिवर्तन हुए हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति का परिवर्तन समय के अनुसार अलग अलग समय पर होने लगा है। एक समय वो था जब ये कहते थे कि देवियों के समान महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा बहन बिमला बाथम जी को कि जिन्होंने हमको और आपको रूबरू किया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एक अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्रिस्टीन लगाड़े ने यह कहा था कि भारत की जीडीपी में वर्तमान 17% हिस्सा महिलाओं का है, 17% योगदान महिलाओं का है भारत की जीडीपी में। और अगर श्रम में भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई जाए तो ये जीडीपी में 27% तक हिस्सा हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। महिला कन्या सुमंगला योजना वर्ष 2019 में ही प्रारंभ की गई और जिसमें जन्म से लेकर और इंटरमीडिएट पास करने के बाद तक प्रत्येक परिवार में दो कन्याओं को